महामिलन में बाधा डाली है, दो प्राणों के महामिलन को अपूर्ण किया है। पूर्णता में बाधक देवताओं, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भी सदा अपूर्ण रहोगे। तुम सदा सदा के लिए निसंतान रहोगे। तुम्हारी पत्नियाँ कभी भी माता होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकेंगी। क्षमा करें माँ, हम पर दया करें। माता पार्वती, हम पर दया करें। दया करें माँ, दया करें, हमें क्षमा करें माँ, क्षमा करें, दया करें माँ, दया करें। बुद्धिमानी है। शिव का तेज कुंज तुम सबने धारण कर लिया है। अब इस पीड़ा और संकट का निवारण केवल शिव आराधना ही है। आओ तट पर बैठकर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। शिव सदा मंगल ही करे। Yeah.
शिष्यों सहित यज्ञ कर रहे हैं कि अकस्मात शिशु के रुदन की गूंज उन्हें सुनाई देती है। क्या हुआ गुरुदेव? आप खड़े क्यों हो गए गुरुदेव? शिशु का रुदन सुन रहे हो? किसी नवजात शिशु का रुदन है गुरुदेव। ये शिव पुत्र है। शिव पुत्र? असुरों का नाश करने वाला शिव पुत्र। उसके दर्शन का पुण्य लाभ करना होगा। मुझे इसी घड़ी की प्रतीक्षा थी शिव पुत्र, इसी घड़ी की प्रतीक्षा। सिकंद नाम शक्ति पुंज नमो नमः। हे शिव पुत्र, शिव के तेज से उत्पन्न होने के कारण आप में वो सभी शक्तियां विद्यमान हैं जो भगवान शिव में है। तारकासुर जैसे अत्याचारी का संहार करने के लिए ही आप इस धरती पर प्रकट हुए हैं। हे शक्ति पुंज, कृपा कर मुझे वो ज्ञान एवं शक्ति प्रदान करें जिसके लिए मैं अनंत समय से प्रयत्नशील होने के उपरांत भी वंचित हूं। कृपा करें ऐ कृपा निधान, दया करें ऐ दया निधान, कृपा करें। ज्ञान और शक्ति आपने संभाल ली है, राशि से महर्षि बन चुके हैं। अब मैं आपको ब्रह्म ऋषि बनने का वरदान देता हूँ। शिव कृपा से आपके हृदय में धर्म ज्ञान प्रकट होगा। आपका स्थान ब्रह्म ऋषि में श्रेष्ठ होगा। हे विश्वामित्र, तुम्हें पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हो गया है। अब तुम ब्रह्म ज्ञानी हो गए हो। ओम नमः शिवाय। दुखी जन का रुदन दूर करने के लिए तो आप प्रकट हुए हैं और स्वयं रुदन कर रहे हैं। आपकी लीला का प्रयोग मुझ पर क्यों भगवान जगत पर करें? जन्म हुआ है, प्रभाकृति, आभाकृति, तेजाकृति
अव्याकृति, शोभाकृति और सुकृति, तुम नक्षत्र को जाकर इन कृतिकाओं को इस शिशु के विषय में सूचित कर दो, यही शिव इच्छा है। शिव इच्छा अर्थात सदिच्छा, और नारद का तो कर्म ही है सदिच्छाओं की सूचनाएं देना है।